हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे दोस्तों, आपको ये डिवाइस के बारे में पता ही होगा कि ये मेरे पास क्या है। अगर आप आरसी पे हावी रखते हैं, आरसी प्लान, आरसी बोट, कुछ भी रोबोटिक्स वाला जो प्रोजेक्ट होता है, तो आपको ये ज़रूर पता होगा इसके बारे में, इसके वर्किंग फंक्शन के बारे में। फिर भी दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जहाँ की आप जो छोटा छोटा जो मिस्टेक होता है, उधर ही आपका जो रोबोटिक्स प्रोजेक्ट है वो आपका काम नहीं करता है ठीक से। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो आपको लोग को मैं देना चाहता हूँ, कि आपका जो सर्वो मोटर है, ये आपका 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री या फिर आपका न्यूट्रल पोजीशन, कुछ भी पोजीशन पे आप इसको जो मूव कराते हैं वो कैसे कराते हैं, तो उसके बारे में मैं एक छोटा सा जानकारी दूंगा आपको, कि आपका जो पल्स विड्थ होता है वो कितना होना चाहिए। जैसे दोस्तों, आपको अगर ये जो सर्वो है, इसको अगर आपको जीरो पोजीशन पर रखना है, मतलब कि जीरो एंगल पे, यानी कि अलोंग द ग्राउंड या फिर जो भी पोजीशन, ये आपका समझ लो जीरो पोजीशन पे है, तो आपको कितना पल्स देना होगा तो तभी ये जीरो आएगा। तो आपको दोस्तों, मैं यहाँ पर छोटा सा एक ग्राफ ड्रा करूँगा ताकि आप समझ जाएंगे। तो जैसे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर जो पल्स विड्थ है उसको अगर मैं 1 सेकेंड देता हूँ, 1 मिली सेकेंड अगर मैं देता हूँ, तब मेरा जो सर्वो है ये मेरा 0 डिग्री पे सेट हो जाएगा। और ये जो पल्स होता है, इसको हम लोग मिनी पल्स भी बोलते हैं। देन अभी देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग ये जो पल्स विड्थ है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एंड इसका जो होगा ये आपका होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये आपका 1 मिली सेकेंड है, क्योंकि ये विड्थ ये आपका 1 मिली सेकेंड है। एंड यहाँ पर अगर मैं दूंगा 1.5 दूंगा, 1.5, तब मेरा जो सर्वो है ये मेरा 90 डिग्री पे मूव होगा। तो एक छोटा सा जानकारी है दोस्तों, आप लोग को इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि आप जब प्रोग्राम करेंगे आर्डिनो पे तो ये आपको चाहिए होगा, तो ये आपका न्यूट्रल पे सेट हो जाएगा। तो अभी दोस्तों, मैं इसका जो विड्थ है इसको और थोड़ा बढ़ाऊंगा, एंड इसका जो विड्थ होगा ये आपका 2 मिलीसेकंड होगा। ये 2 मिलीसेकंड अगर मैं देता हूँ, तब मेरा जो सर्वो है ये मेरा 180 डिग्री पे मूव होगा, यानी कि अगर मैं ये जीरो लेता हूँ तब मेरा ये 180 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम पल्स बोलेंगे इसको, आपको ये भी याद रखना है। सो जैसे कि आपने देखा कि हम लोग अगर यहाँ पर 1 मिली सेकेंड देते हैं, तब हमारा जो सर्वो है ये आपका 0 पे सेट होता है, 1.5 मिनट से ये हमारा 90 पे सेट हो रहा है, एंड 2 मिली सेकेंड पे ये हमारा 180 पे सेट हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों, हम लोग सर्वो जो टेस्टर होता है उसका इस्तेमाल में लेते हैं, और सर्वो टेस्टर के बारे में मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आप वो वीडियो सब देख सकते हैं, काफ़ी जानकारी आप लोग को वहाँ से ही मिल जाएगा। एंड ये था एक छोटा सा जानकारी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।